नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। वीडियो में बात करने वाले हैं हम नीलम गिरी और उनकी शॉपिंग के बारे में। हम सब जानते हैं दोस्तों, और अपने पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से नीलम गिरी जो हैं वो निरहुआ के साथ इनकी आने वाली नई भोजपुरी फिल्म आनंद आश्रम की शूटिंग करने नेपाल गए हुए हैं। और ये ह्यूमन नेचर है दोस्तों, आदत है हमारी कि जब भी हम ऐसी किसी जगह जाते हैं जो कि टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा भ्रमण के लिए उसे चूज़ किया जाता है लोगों द्वारा, तो दोस्तों वहाँ से हम कीमती कीमती सामान ले आते हैं अपने घर खरीद कर वहाँ से। और कुछ यही दोस्तों देखा नीलम गिरी के साथ भी। नीलम गिरी ने किस तरीके से शॉपिंग की और क्या इस शॉपिंग में वो निरहुआ के लिए भी कोई गिफ्ट खरीदी हैं या फिर नहीं खरीदी हैं, ये आने वाले समय में आपको हम बताएंगे। पर उसके पहले, अगर अब तक आपने हमारे चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नहीं दबाया है तो फटाफट बेल आइकन भी दबा दें, और जल्द से जल्द हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवाने में मदद करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो को शेयर किया गया है नीलम गिरी द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी सुंदर दुकान में सुंदर नीलम गिरी जो पहुंची हैं वो क्या क्या खरीद रही हैं, और हो सकता है कि निरहुआ के लिए भी उन्होंने इस दुकान से कुछ ख़रीदा होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीलम गिरी जो हैं वो अपनी नई भोजपुरी फिल्म आनंद आश्रम की शूटिंग के दौरान, यानी कि नेपाल में जो इस भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हो रही है उसके दौरान, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल कर इस तरीके से शॉपिंग करते हुए नज़र आई हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि आनंद आश्रम जो कि नई भोजपुरी फिल्म निकल कर सामने आ रही है, जिसमें कई सारे कलाकार नज़र आने वाले हैं, जैसे कि निरहुआ, नीलम गिरी, देव सिंह, प्रकाश जैस, मनोज टाइगर जैसे मंझे हुए कलाकार नज़र आने वाले हैं। इस भोजपुरी फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद लोग इस भोजपुरी फिल्म को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें भोजपुरी नाव।